पाकिस्तान की डोमेस्टिक लीग चैंपियंस कप अभी शुरू भी नहीं हुई है और कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गई है, और ये कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई है उमर अकमल और अहमद शहजाद के बैकआउट कर लेने की वजह से। इन दोनों का कहना है कि हम अपनी डिग्निटी को दांव पे रख के, अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट छोड़ के ऐसे मेंटोर्स के साथ नहीं खेल सकते जो सिर्फ पैसों के लिए खेलते हैं। अब आपको बता दूं कि उमर अकमल को शोएब मलिक स्टैलियंस की टीम में डाला गया था, जिसके कैप्टन है मोहम्मद हारिस और जिस टीम में बाबर आजम और शान मसूद भी हैं। शोएब मलिक और उमर अकमल के बीच शायद कुछ बातचीत हुई थी, क्योंकि आपको याद दिला दूं 2011 वर्ल्ड कप में ये सब एक ही टीम में थे। इनफैक्ट 2015 में भी ये एक टीम में खेले थे। उमर अकमल 5 वर्ल्ड कप्स में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर चुके हैं, लेकिन शायद शोएब मलिक ने उनसे ये कहा कि हम देखेंगे कि आप कॉम्बिनेशन में फिट होते हो कि नहीं, तब हम आपको 20 से 15 के लिए कंसिडर करेंगे, और अगर फिर भी आप ठीक बैठे करोगे तो हम आपको 11 में खिलाएंगे। ये बात शायद उमर अकमल को बुरी लग गई कि शायद इस लीग में पार्टिसिपेट करके भी हमें मौके नहीं मिलेंगे, और उन्होंने अपना नाम हटा दिया। और अहमद शहजाद ने कहा कि ये एक ड्रामा है और मैं ड्रामेबाजों के साथ नहीं खेलूंगा। अब ये बात काफी कॉन्ट्रोवर्शियल हो गई है, क्योंकि उमर अकमल जो अपना ऑलमोस्ट सारा करियर शोएब मलिक के साथ ही खेले हैं, उन्होंने काफी भड़कते हुए बासित अली के साथ मिलकर एक स्टेटमेंट दिया, जिसमें कहा कि ये सब टीवी पर बैठ के अलग होते हैं और पीसीबी में आके अलग हो जाते हैं। बासित अली साहब ने वहां ये भी रिवील किया कि इन प्लेयर्स की सैलरी है 50 लाख PKR, यानी 50 लाख पाकिस्तानी रुपीज। एक्सक्यूज मी गाइस, सॉरी, मेरा गला भी पूरी तरह से ठीक नहीं है। तो बासित अली साहब ने कहा कि मेंटोर का रोल और 50 लाख, लेकिन जो एक्चुअल कोचेज हैं उन्हें 2 या 3 लाख रुपए ही दिए जा रहे हैं पाकिस्तानी करेंसी में, तो मेंटोर्स ऐसा क्या कर रहे हैं जो इन्हें 50 लाख दिया जाए। इनफैक्ट अगर टीम हार भी जाए तो सवाल मेंटोर पे नहीं कोचेज पे उठेगा, कैप्टन पे उठेगा लेकिन मेंटोर पे नहीं उठेगा। तो मेंटोर एक ऐसा जॉब है जिसमें बैठे बिठाए सबको पैसे बनाने हैं, और इसीलिए ये लोग पीसीबी के हर बात में हाँ में हाँ मिलाएंगे, इन्हें सजेशन से कोई लेना देना नहीं है, ये सिर्फ पैसे कमाने आए हैं। उस पर उमर अकमल ने भड़कते हुए ये भी सवाल किया कि इमाद वसीम, मोहम्मद आमिर, ये दोनों क्यों नहीं है इसमें, क्योंकि इन्हें आपको याद हो T20 वर्ल्ड कप से पहले टीम में लाया गया था पीसीबी ने कॉन्ट्रैक्ट करके, लेकिन उनको डोमेस्टिक लीग में नहीं खेलने के लिए बुलाया गया है, वो CPL खेल रहे हैं। उस पर उमर अकमल ने कहा कि कुछ प्लेयर्स अपनी मनमर्जी कर रहे हैं, वो फिक्सिंग कर चुके हैं टीवी पर, पीसीबी और बैट्समैन कैप्टन को क्रिटिसाइज कर चुके हैं, लेकिन वो फ्री है, और कुछ प्लेयर्स को जबरदस्ती टारगेट किया जाता है। उन्होंने एक बहुत वैलिड सवाल भी उठाया जिसके साथ मैं कंप्लीट एग्रीमेंट में हूं कि पाकिस्तान के पास 2-3 अच्छे टेस्ट बॉलर्स थे, जैसे मोहम्मद अब्बास जो एक जेन्युइन स्विंग बॉलर थे, और आप अगर उनका रिकॉर्ड जाके चेक करें तो मोहम्मद अब्बास का रिकॉर्ड, टेस्ट रिकॉर्ड एक्स्ट्रॉर्डिनरी था। यासिर शाह एक लेग स्पिनर जो पाकिस्तान के लिए खेलता था, 200 से भी ऊपर विकेट्स और जबरदस्त स्ट्राइक रेट, आप उनका करियर भी चेक कर सकते हो। इनफैक्ट उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में एक शतक भी बनाया था, लेकिन उन्हें भी बाहर कर दिया गया। तो कामरान अकमल रादर, उनका कहना था कि ऐसे बहुत सारे टैलेंटेड प्लेयर्स थे जिनको बाहर कर दिया गया, और अब अहमद शहजाद और उमर अकमल जैसे एक्सपीरियंस प्लेयर जो कितने ही वर्ल्ड कप्स में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर चुके हैं, उन्हें धमकी देकर बुलाया जा रहा है कि अगर हम देखेंगे आपकी परफॉर्मेंस है कि नहीं, जिसको लेकर काफी कंट्रोवर्सी हुई। आपको पता है कि अभी फिलहाल एक न्यूज फ्लोट हो रही है कि सारे पाकिस्तानी प्लेयर्स की फिर से एक प्रॉपर फिटनेस टेस्ट ली जाएगी, और इस बात पर उनका कहना है कि ये तो एक जनरल प्रोसीजर होना चाहिए, इसके ऊपर इतना तमाशा क्यों हो रहा है। आपको बता दूं कि चैंपियंस कप में भी एक फिटनेस टेस्ट लिया गया था जिसमें शर्जील खान जो पाकिस्तान के एक्स ओपनर है, जो अभी रिटायर्ड लेजेंड्स लीग में खेल चुके हैं, वो ये फिटनेस टेस्ट फेल करके बाहर हो चुके हैं। हारिस सोहेल, आपको याद हो जिन्होंने 2019 वर्ल्ड कप में और 2015 वर्ल्ड कप में दोनों में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया था, और काफी यूजफुल मिडिल ऑर्डर बैट्समैन थे, इनफैक्ट माना जा रहा था कि वो शायद वन ऑफ द बेस्ट है और उन्हें खिलाया जाएगा, उन्हें भी इस स्क्वाड में नहीं रखा गया है, जो कि काफी कंट्रोवर्शियल है। तो कुछ ऐसे प्लेयर्स जो बढ़िया परफॉर्मर्स हैं उनको इस टीम में नहीं रखा गया है, जिसको लेकर बासित अली और
कामरान अकमल ने काफी क्रिटिसिज्म किया है, उस वीडियो की एक छोटी सी क्लिप में अटैच कर रहा हूँ कि वॉचिंग गाइस, थैंक यू। किसी ने सवाल किया कि मेरा दोस्त है खेलता रहा क्रिकेट की, हम लोग बात कर रहे हैं, बाकी वो अगर इसको नेगेटिव लेगा उसकी मर्जी, लेकिन उसने बात क्या की है, उमर की या अहमद शहजाद का सवाल हुआ, इनको खिलाएंगे, उन्होंने क्या स्क्वाड का हिस्सा है, अहमद शहजाद ने मना कर दिया, उमर ने हाँ अगर आएंगे हम लोग बैठेंगे मीटिंग करेंगे उसके बाद देखेंगे कॉम्बिनेशन में आएंगे खेल सकेंगे तो हम खिलाएंगे। मैंने कहा यार ये कौन सी बात कर रहा है, कोई दूसरे इशू बना के जैसे उमर को साइडलाइन किया हुआ ना उसमें काटे कर रहा है। मैं कंप्लीट कर लू उसके बाद। तो मैंने कहा यार मुझे आज जुम्मा मैं पढ़ के आया हूँ तो मैंने सुना, तो मेरा दिल इतना दुखा ना कि यार आप किसी की प्लेयरी पे शक कर रहे हो, उस प्लेयर के मतलब जो 5 वर्ल्ड कप खेला, उस प्लेयर के मतलब जो जिसने दुनिया की फास्टेस्ट बॉलिंग को उसने फेंटा दी, उमर ने मना किया, मेरी उम्र से बात नहीं हुई, लेकिन जब मैंने ये क्लिप सुना ना तो मैंने क्या इज्जत इसी में, इज्जत के साथ खेलें, प्राइड के साथ खेलें, इनके नीचे लग के ना खेलें, जैसे इन्होंने बाकियों ने किया वही हाल इन्होंने है, पॉलिसी वही चलती हुई आ रही, बासित भाई ने जो कहा 2019 से पॉलिसी वही चलती हुई आ रही, चेहरे चेंज हो रहे हैं, बंदे भी वही आ रहे हैं, क्या तीन तीन चार चार मरतबा इनकी बारी नहीं आई, क्या ऐसा किया इन्होंने जो मेरे ख्याल से झंडे गाड़ दिए, जो दोबारा लेके आए हैं, क्या इसी शोबे में नाकाम हुए थे, पूरा पूरा टर्नओवर नहीं कर सके, सैक किया गया, क्या ऐसी चीज हुई है कि ये दोबारा पीसीबी में आए हैं, मुझे बस जवाब दे दें, कह के कुछ लाए हैं कर कुछ दिया, अपने डिसीजन पे तो स्टैंड करें।